हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JGD एजुकेशन में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, रिलेटेड टू एनम जीनम नियर नर्सिंग, BSc नर्सिंग एंड नर्सिंग ऑफिसर मिडवाइफरी नर्सिंग। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1, RH प्लस भी प्रसव के पश्चात कितने समय के भीतर एंटी डी दिया जाता है? ऑप्शन ए 6 घंटे, ऑप्शन बी 24 घंटे, ऑप्शन सी 72 घंटे एंड ऑप्शन डी 7 दिन। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए, RH प्लस भी प्रसव के पश्चात कितने समय के भीतर एंटी डी दिया जाना चाहिए? राइट आंसर विल बी हैपन टू ऑप्शन नंबर सी, 72 घंटे के बाद। तो राइट आंसर होगा, मतलब 72 घंटे के बाद नहीं, 72 घंटा के अंदर ही देना चाहिए, ठीक है। RH भी प्रसव के पश्चात 72 घंटे के अंदर ही एंटी डी दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 72 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टीबी, डिप्थीरिया, हूपिंग कफ, टिटनेस, पोलियो, मीजल्स एवं हिपेटाइटिस बी के विरुद्ध प्राथमिक टीकाकरण की उपयुक्त आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए जन्म से 6 माह, ऑप्शन बी जन्म से 9 माह, ऑप्शन सी जन्म से 1 माह एवं ऑप्शन नंबर सी जन्म से 1 वर्ष है एंड ऑप्शन नंबर डी जन्म से 18 माह। तो देखिए, टीबी, डिप्थीरिया, हूपिंग कफ, फिटनेस, पोलियो, मीजल्स एवं हाइपेटाइटिस बी के विरुद्ध प्राथमिक टीकाकरण की उपयुक्त आयु है जन्म से 1 वर्ष। तो यहाँ पर आपका गाइस राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म से 1 वर्ष के बीच ये सबकी प्राथमिक टीकाकरण उपयुक्त आयु में दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आयु जिस पर विटामिन ए की प्रथम खुराक दी जाती है, ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 6 मंथ एंड ऑप्शन नंबर डी 9 मंथ। तो यहाँ पर जो है कि किस पर विटामिन ए की प्रथम खुराक दी जाती है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 9 मंथ। 9 माह की आयु में विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी 9 मंथ इज द राइट आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सामान्यतः 1 वर्ष पर शिशु का वजन जन्म के समय वजन का कितना हो जाता है? ठीक, ऑप्शन ए 1.5 गुना, ऑप्शन बी 2 गुना, ऑप्शन सी 3 गुना एंड ऑप्शन नंबर डी 4 गुना। सामान्यतः 1 वर्ष पर शिशु का वजन जन्म के समय वजन का कितना हो जाता है? राइट आंसर विल बी हैपन टू ऑप्शन नंबर सी, 3 गुना। सामान्यतः 1 वर्ष पर एक छोटे बच्चे का वजन जन्म के समय वजन का 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3 गुना। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दुग्धपान, इंग्लिश वर्ड इज लैक्टेशन, के लिए सबसे ताकतवर उद्दीपक क्या है? ऑप्शन नंबर ए मेटोक्लोप्रेमाइड, ऑप्शन बी PPH एंड ऑप्शन नंबर सी ब्रोमोक्रिप्टिन एंड लास्ट ऑप्शन नंबर डी स्ट्रकिंग चुसर। तो व्हाट इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज कमेंट्स ऑन। डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर विल बी हैपन टू ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रकिंग। ओके, यानी चूसर दुग्धपान के लिए सबसे ताकतवर उद्दीपक है स्ट्रकिंग। सो राइट आंसर विल बी हैपन टू ऑप्शन नंबर डी। ही माय डियर स्टूडेंट, आपका क्लास यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आपके लिए छोटा सा क्वेश्चंस लेकर के आए थे आपके सामने। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, कहीं मत जाइएगा आप लोग, और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। जो भी न्यू आते हैं वो बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ओके, राइट, तो चलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।